देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नाजिया हसन के बारे में। नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, अली फजल, आतिफ असलम जैसे पाकिस्तान के कई ऐसे सिंगर्स हुए जिनके गानों ने भारत में भी खूब धूम मचाई। इन्हीं में से एक थी पाकिस्तानी और भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाली सिंगर नाजिया हसन। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में अपने गाने से सनसनी मचा दी थी। भारत में भी नाजिया के गानों को आज भी उसी लगन के साथ सुना जाता है। नाजिया हसन आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गाए हुए गाने उन्हें अमर बना दिया। महज 35 साल की उम्र में ही उन्होंने 13 अगस्त 2000 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज हम आपको नाजिया की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। नाजिया हसन ने महज 15 साल की उम्र में बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आएगा कर रिकॉर्ड बना दिया। कुर्बान फिल्म के लिए गाने के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। वो पहली पाकिस्तानी सिंगर थी जिन्हें भारत में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। एक तरफ जहां नाजिया म्यूजिकल इंडस्ट्री में धमाल मचा रही थी, वहीं 35 साल की उम्र तक होते होते उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेल लिया था। नाजिया अपने गानों के साथ साथ अपनी दर्दनाक पर्सनल लाइफ के लिए भी जानी जाती है। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। वो नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बासिर की बेटी थी। उनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में हुई थी। नाजिया की माँ मुनीजा और बॉलीवुड एक्ट्रेस जीनत अमान अच्छी दोस्त थी। एक दिन लंदन में जीनत अमान ने नाजिया को गाना गाते हुए सुना। भारत लौटने के बाद जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और फिरोज खान की फिल्म में गाना गाने के लिए नाजिया को ऑफर भेजा। एक इंटरव्यू में मुनीजा ने बताया कि पहले तो उन्होंने जीनत को इनकार कर दिया था, लेकिन मुस्लिम परिवार में लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था। हालांकि जब जीनत ने जिद की तो वो मान गई। मुनीजा ने नाजिया के पिता के खिलाफ जाकर उन्हें फिल्मों में गाने के लिए हामी भरी। इसके बाद लंदन में ही एक पार्टी के दौरान मुनीजा और नाजिया की मुलाकात फिरोज खान से हुई। 15 साल की उम्र में नाजिया के आवाज से फिरोज इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दिया। इस गाने की रिकॉर्डिंग यूकी में ही हुई थी। इसे नाजिया ने स्कूल की यूनिफॉर्म में रिकॉर्ड किया था। इस गाने के लिए नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों फिल्म फेयर का अवार्ड भी दिया गया था। 15 साल की उम्र में किसी सिंगर द्वारा फिल्म फेयर का अवार्ड जीतना आज तक का एक रिकॉर्ड है जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। फिर क्या था, नाजिया रातों रात स्टार बन गई, सिंगर बन चुकी थी और उन्हें बैक टू बैक गानों के ऑफर मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने 1981 में अपना म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया जो सुपर डुपर हिट साबित रहा। पाकिस्तान में भी उनके गानों को खूब पसंद किया जाने लगा। हालांकि नाजिया के करियर के बीच उनकी पढ़ाई रोड़ा बनने लगी थी और परिवार के लिए उन्होंने कई फिल्मों में गाने का ऑफर ठुकराया। हालांकि डिस्को दीवाने नाजिया की पॉपुलरिटी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो जहां भी जाती लोगों की भीड़ लग जाती। इस बीच 1982 में विडू ने उन्हें अपने एल्बम में एक्ट करने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर सिंगिंग ही चुनी। नाजिया अपने गानों से दुनिया भर में पॉपुलर होती जा रही थी। 1984 में एल्बम यंग तरंग उनका पहला पाकिस्तानी म्यूजिक एल्बम था। उस जमाने में ये एशिया का सबसे पॉपुलर म्यूजिक एल्बम बन चुका था। नाजिया ने 1991 में अपने भाई जोहेब के साथ अपनी आखिरी म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा लॉन्च किया और ये ऐलान किया कि अब वो कभी गाना नहीं गाएंगी। इसी साल उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वीमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसलिंग में नौकरी मिल गई। उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की। नाजिया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो बेहद दर्दनाक थी। 30 मार्च 1995 को नाजिया की शादी कराची के बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से हुई। 1997 में दोनों का बेटा अरेज हुआ। इसके कुछ समय बाद ही पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। कहा जाता है कि नाजिया के पति का एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से अफेयर था। जब ये बात नाजिया को पता चली तो उन्होंने एतराज जताया। फिर क्या था, नाजिया के साथ उनके पति ने मारपीट शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाजिया से पहले उनके पति इश्तियाक 2 शादियां कर चुके थे। पहली पत्नी से उनका एक बेटा भी था। इश्तियाक ने अपनी दोनों शादियां नाजिया
नाजिया और उनके परिवार से छिपाई थी। साल 2000 में दिए अपने आखिरी इंटरव्यू में नाजिया ने पहली बार अपने साथ हो रही मारपीट और पति के जुल्म पर खुलकर बात की। नाजिया ने बताया कि उनका पति मारपीट कर उन पर दबाव बनाता था और मीडिया में कहलवाता था कि उनकी शादी खुशहाल चल रही है, हालांकि सच में ऐसा नहीं था। पति के जुल्म सहकर नाजिया को एक दिन पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। इश्तियाक ने इनका इलाज कराने तक से इनकार कर दिया था। नाजिया के भाई ने भी बताया था कि इश्तियाक ने नाजिया को बंदी बनाकर रखा था। पति से परेशान होकर नाजिया ने साल 2000 में ही से तलाक ले लिया और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। नाजिया का इलाज भी उनके परिवार वालों ने ही कराया। उनकी 5 कीमोथेरेपी हुई थी। इलाज के दौरान ही नाजिया ने बयान दिया कि इश्तियाक उन्हें स्लो पॉइजन दे रहे हैं, जिससे उनके शरीर के अंग खराब होते गए। 10 अगस्त 2000 को नाजिया की हालत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 अगस्त 2000 को नाजिया की माँ को बताया गया कि उनकी बेटी जोर जोर से खांस रही है। जब तक मुनीजा अस्पताल पहुंची, नाजिया महज 35 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। नाजिया की मौत के बाद 5 महीने तक उनके दिए बयान के अनुसार जांच हुई और इश्तियाक के घर पर फोरेंसिक टीम भेजी गई, लेकिन आखिर में बताया गया कि सिंगर की मौत का कारण लंग कैंसर था। जांच के दौरान 5 महीने तक उनके शव को मुर्दा घर में रखा गया था। 5 जनवरी 2001 को नाजिया का शव उनके परिवार को सौंपा गया। पहले नाजिया का अंतिम संस्कार पाकिस्तान में होना था, लेकिन शव मिलने में देरी होने की वजह से लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। साल 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। आपको नाजिया के बारे में जानकर कैसा लगा है, उनकी स्टोरी कैसी रही है और उनके सॉन्ग्स आपको कितना पसंद है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।